रामगढ़ लॉकडाउन ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे, उनके दमन और परिणामों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने क्रांति के कारण, उनके प्रारंभ और प्रसार पर हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार सैनिकों का विद्रोह राजनीतिक रूप लिया और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद पूरे भारत में क्रांति प्रस्फुटित हुई, जिससे अंग्रेजों के सामने का एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। परंतु इस समस्या से उन्होंने निपटने का प्रयास किया और क्रांति का दमन करने का उन्होंने निश्चय किया और अपनी दमनात्मक कार्रवाई उन्होंने करने के लिए ब्रिटेन से स्पेशल सैनिक भारत में बुलवाए। इसके बाद जिन क्षेत्रों में क्रांति चल रही थी, उन क्षेत्रों में अंग्रेज क्रांति को दमन करने का प्रयास किया। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रांति के दमन और उसके परिणामों पर। इसको समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम का अध्ययन करेंगे और दमन के बारे में हम लोग समझ पाएंगे क्रांति का दमन किस प्रकार अंग्रेजों ने किया। तो बच्चों, आप लोगों के सामने जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें हमने एक तरफ क्षेत्र लिखा, एक तरफ विद्रोही शासक का नाम दिया और एक तरफ दमनकर्ता जो अधिकारी अंग्रेज थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 11-12 मई को जब दिल्ली में सैनिकों ने फतेह किया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया, तो अंग्रेज चुपचाप बैठने वाले तो थे नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली की ओर अपना ध्यान किया और विद्रोही शासक जो बहादुर शाह जफर थे, उनको दमन करने के लिए हडसन निकोलसन को भेजा गया सितंबर 1857 ईस्वी को। यानी कि मई के महीने में दिल्ली में सत्ता स्थापित हुई थी और सितंबर में ही दिल्ली हाथ से निकल गई और हडसन निकोलसन ने नामक अंग्रेज जो अधिकारी था, बहादुर शाह जफर का दमन किया और बहादुर शाह को गिरफ्तार कर आजीवन रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से दिल्ली पुनः विद्रोहियों के हाथ से निकल गया। इसके बाद बच्चों, जब हम देखते हैं लखनऊ जो अवध का क्षेत्र था, यहां बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों का हौसला अफजाई किया और उनका साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत बेगम हाथी के ऊपर चढ़कर वह विद्रोही जो सैनिक थे, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए जाया करती थी। परंतु कैंपवेल ने मार्च 1958 में बेगम हजरत को भी शिकस्त दी और बेगम हजरत अंततः नेपाल भाग गई। इस प्रकार से लखनऊ भी जो है विद्रोही शासकों के चंगुल से छूट गया और अंग्रेज यहाँ भी अपना अधिकार स्थापित कर लिए। अब कानपुर की बारी आती है बच्चों, तो कानपुर में नाना साहब ने इनका नेतृत्व किया, जो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे और इनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर रखी थी। और नाना साहब के दमन के लिए कैंपवेल को भेजा गया, कैंपवेल ने नाना साहब को का दमन किया और नाना साहब भी हजरत महल के साथ नेपाल भाग गए। अब हम लोग जब ग्वालियर चलते हैं बच्चों, तो ग्वालियर में तात्या टोपे अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे और ये जो है जंगल की ओर भाग गए और जंगल में रहकर छापामार युद्ध करते रहे। परंतु मानसिंह नामक उनके ही मित्र के द्वारा अंग्रेजों को उनका पता बता दिया गया, जिन्हें बाद में फांसी पर लटका दिया गया। अब झांसी की बारी आती है, तो झांसी के बारे में हम लोग अवगत हैं, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई राज कर रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने जब उनका राज वापस छीन लिया अपना पुत्र नहीं होने के कारण, तो इन्होंने भी क्रांति का बिगुल झांसी में बजाया और झांसी की रानी का दमन करने के लिए सर ह्यूरोज को भेजा गया और जून 1958 में झांसी की रानी वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने पुत्र के साथ वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी कहानियां हम फिल्मों के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से भी जानते रहते हैं। यह वही झांसी की रानी है। इनके बारे में एक अंग्रेज अधिकारी कहा करते थे कि भारत की महिलाएं सोई हुई शेरणियों के समान है और उससे भी अधिक ताकतवर है। यह रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया था। अब बिहार की बारी आती है बच्चों, तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह जो जगदीशपुर रियासत के राजा थे, इन्होंने बिहार पर अपना झंडा फहराया, अपना परचम वापस लहराया और बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी कुंवर सिंह ने विद्रोहियों की मदद की और सबसे अधिक जीत कुंवर सिंह को प्राप्त हुआ था। लेकिन विलियम टेलर ने इनका भी दमन किया। इस प्रकार से
बिहार भी अंग्रेजों के कब्जे में वापस आ गया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया विद्रोह का कमान संभाला, परंतु जनरल नील के द्वारा इनका भी दमन हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ सभी राजाओं का, विद्रोही शासकों का दमन होता चला गया इन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, परंतु इस दमन, इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो हम पाते हैं कि हमारा विद्रोह असफल क्यों रहा, इतने ताकतवर सैन्य व्यवस्था और हमारे जो शासक वर्ग थे, इसके बावजूद हमारा यह विद्रोह असफल क्यों हुआ, तो इसके पीछे था असंगठित आंदोलन और कुशल नेतृत्व का अभाव। हमारा जो यह आंदोलन था असंगठित था, जिस समय दिल्ली में हुआ उस समय अन्य जगहों में नहीं हुआ। इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लड़ते रहे और इसका लाभ उठाकर उन्होंने सभी का एक एक करके दमन कर दिया। तो हमारा आंदोलन असंगठित था, जिसकी वजह से बारी बारी से सभी शासकों का दमन हो गया। नेतृत्व का भी अभाव था, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो 82 वर्ष के वृद्ध थे, वह उचित नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके, जिसके कारण हमारा विद्रोह अधिक दिन तक सफल नहीं हो पाया। सैनिक दुर्बलता भी इसके एक कारणों में से है, क्योंकि भारत के सैनिक पुराने सिस्टम से चल रहे थे, जिसके वजह से हम अंग्रेजों से लोहा ले पाने में असमर्थ हो गए और आधुनिक हथियारों की कमी भी हमारे सामने थी। शिक्षित वर्ग की उदासीनता भी इसमें दिखी, क्योंकि शिक्षित वर्ग को लगा कि यह तो सामंतों का विद्रोह है, उनकी राज छिन गए, सैनिकों का विद्रोह है, उनकी रोजी रोजगार छिन गए, इस वजह से ये लोग जो है समाज में तटस्थ रहे और इसका खामियाजा हमारे इस आंदोलन को भुगतना पड़ा और हमारा यह आंदोलन अंततः दमन इनका हो गया और अंग्रेज पुनः भारत में काबिज हो गए। अब हम देखते हैं कि जब अंग्रेज विद्रोह को दबा देते हैं, तो दबाने के उपरांत क्या परिस्थितियां हमारे भारत में उत्पन्न होती है, तो आने की हम क्रांति के परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, परिणाम तो कुछ ना कुछ निकलना ही था, जब क्रांति हुई, क्रांति को दबाया गया, तो परिणाम क्या आया हमारे सामने, हम इसको देखेंगे इस चार्ट पेपर में, कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अभी तक भारत में कंपनी के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, लेकिन इस व्यापक विद्रोह के बाद अब वह सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई और अब भारत पर राज करने के लिए एक भारत मंत्री सहित 14 सदस्यीय काउंसिल, इंडियन काउंसिल कमेटी की स्थापना कर दी गई, जो भारत की शासन व्यवस्था को देखने का काम करता था। दूसरे बिंदु पर हम पहुंचेंगे तो सेना में भी उन्होंने व्यापक सुधार लाया। क्यों? क्योंकि विद्रोह के समय में बिहार, उत्तर प्रदेश और अवध की जो सेनाएं थी, वे अंग्रेजों से दूर हो गए और स्वदेशी राजाओं के साथ हो लिए, तो उन्हें इस पर अब भरोसा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इसके बिहार उत्तर प्रदेश के सेनाओं के जगह उन्होंने गोरखा, सिखों और पठानों की नियुक्ति प्रारंभ कर दी और सेना में ब्रिटिश सैनिक और इंडियन सैनिक का अनुपात को भी उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। क्रांति के परिणाम स्वरूप दत्तक पुत्र अपमान की स्वतंत्रता दे दी गई, जिसकी हड़प नीति के तहत रोक लगाई गई थी डलहौजी के द्वारा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, दत्तक पुत्र आप अपना सकते हो, परंतु उसमें एक कंडीशन था कि आप अपनी दत्तक पुत्र के साथ सत्ता चलाइए, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आपको ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार कर लेनी होगी, तब आप अपने दत्तक पुत्र के द्वारा शासन चला सकते हैं। फिर अंग्रेजों ने क्रांति के परिणामों स्वरूप हमें एक चीज मिला कि हमारे धर्म और रीति रिवाज पे उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। उन्होंने कहा आपके धर्म और रीति रिवाज में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप जैसे हैं वैसे रहें, तो एक सुविधा हमें यहाँ से मिली। मुसलमानों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान को अंग्रेज संदेह की दृष्टि से देखने लगे, उन्हें लगा कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इन्होंने ही पूरे आंदोलन को भड़काया है, लोगों को भड़काया है, तो मुसलमानों के प्रति उनकी दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण उनका भी बदल गया। फिर हम लेते हैं कि साम्राज्यवाद की नीति का त्याग किया उन्होंने, सबसे बड़ी बात है साम्राज्यवाद की नीति का त्याग किया और आर्थिक शोषण का युग उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब अंग्रेज समझ गए थे कि भारत के सभी राज्यों को ब्रिटिश क्राउन के तहत नहीं रखा जा सकता है, तो उन्होंने उसके लिए नई चाल चली और जमीन हथियाने की नीति को त्याग दिया और उसके जगह उन्होंने आर्थिक दोहन का नया युग प्रारंभ किया भारत में। पुनः जब हम देखते हैं अंतिम पॉइंट में, तो विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता, यह एक महत्वपूर्ण चीज छन क्या इस परिणाम से कि राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो गया, क्योंकि इस युद्ध में, इस विद्रोह की लड़ाई में अंग्रेजों ने मुसलमान और हिंदू दोनों को बराबर रूप से परेशान किया और दोनों को क्षति पहुंचाई। इससे लोगों के मन में अब लगने लगा कि नहीं,
जब तक हम एक नहीं होंगे हम अंग्रेजों से लोहा नहीं ले सकते हैं, उसे नहीं भगा सकते हैं। तो इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागा और राष्ट्रीय एकता के लिए यह विद्रोह बहुत ही सफल साबित हुआ। और इसके अलावा हम राष्ट्रीय आंदोलन के अगले चरण में हमको देखने को मिलता है, जहां भारत के विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और उन्हें भारत छोड़ने को विवश किया गया। सफलतः 1947 ईस्वी को अंग्रेज को भारत से बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ा। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने आज दमन पर चर्चा किया, परिणाम पर चर्चा किया। आपका ये तीन भाग में, तीनों भागों को यदि आप बढ़िया से देखेंगे आपके सारे प्रश्न इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ा और झारखंड में किन वीर योद्धाओं ने इस संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, आज के लिए इतना बच्चों, थैंक यू।